राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल जन क्रांति न्यूज में। फिलहाल अगर लोकेशन की बात करूं तो कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दिखा दो, बरवाड़ा से आसी की तरफ जाते हो या लोकेशन जरूर आपने देखी होगी, यो जो मंदिर देखकर लग रहे हो उड़ते एक बार के लिए आपकी जो गर्दन है वह जरूर झुकी होगी, क्योंकि हनुमान जी की बड़ी एक बहुत बड़ी मूर्ति है और यह एक मंदिर है। इसका अलावा राजली की जो नहर है बिल्कुल ऊपर इसका मंदिर है। और आज आप सोच रहे होंगे भी आती आज यो आसी रोड के ऊपर राजली की जो नहर है उसकी ये तस्वीरें क्यों दिखाई जाने लग रही है। हमारे पास बाबा जी खड़े हैं, इनके लगातार भी दो दिन हो गए फोन बाज देना, एक बड़ी गहरी समस्या लेके आए हैं। बाबा जी जब यहाँ आए थे, यानी कि जब यो मंदिर बनाया था, जब यह मूर्ति बनी थी उस टाइम के, आज तभी से एक साल पहले जब बाबा जी आए थे तब की ये यहाँ रहने लग रहे हैं, सारी चीज़ें होने लग रही हैं, सेवा करने लग रहे हैं, मंदिर बनवाया है। बाबा जी के मतलब क्या तो फोन करो थे आपके मामला ये था, ये नलका पड़ दी था थी। मैं बोला नलका ना पड़ा, लोग पुन करा पानी के लिए थे, बहुत बहुत खर्चा ला मैं तो मैंने तो नुका मेरा पिटन लग गया। मैंने किसने मतलब कौन सा ये नलका थे एड़ियांगे वाला नलका गए, नलका कब लग गया था? नलका तो बहुत पुराना नलका है, जब ये मंदिर बनाया था ज्यादा का नलका है। पहले नलका उड़े लग गया था, फिर उड़े लग गया था। बरवाड़ा में भी कम से कम भी इस मूर्ति के बारे में 50 बार केस डालिए इस मूर्ति के बारे में। क्यों मैंने पहला पैसे दे दिए थे 58,000 रुपये खाती का, जब भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। ये फिर मैं थाना में 2 बार जा लिया, उधर पुलिस भी आई थी, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, ये बात तो, ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर कम से कम 20 साल हो गए। तो 20 साल तो आप ही उरा हो मंदिर 20 साल से बनाया? किसने बनाया? तो नगरी ना कोई 10 दे देखो 5 दे देखो ऐसे बना मंदिर ये। अच्छा, हाँ। या मूर्ति भी उसी टाइम की है? हाँ, मूर्ति उसी टाइम की है, उसी टाइम। हाँ, तो पहले के मैटर हो गया था, आपने बताया भी पहले भी कुछ मतलब कोई शरारती तत्व है, गम राजली के हैं, कड़े के हैं वो राजली के मेरे गलत बात करके हैं। अच्छा, राजली के मेरे मार गए हैं। अच्छा, हाँ, एक 2 बार ही आलिए। फिर आप तो मतलब ध्यान धरने वाले और आपकी तो पूजा पाठ में वो है, क्यों आपका पीछे क्यों इतना वो करया उन्होंने? बस वो मन्नत चक्कर में मैंने बैठा था, मैं नलका बदली हुआ था, मैं नलका ना पड़ो मतलब पड़ेंगे नलका पड़ेना है। हाँ, कितने साल पुराना बताओ ये नलका? 20 साल? नलका तो बहुत पुराना, ये तो 2 साल तो हो गए, 3 साल हो गए होंगे नलके तो, बहुत साल तो लगते हैं। कोई भी आप भी लगा दे नलका, कोई नलका लगा, नलका तो पुन की जहाँ कोई भी लगा सका। और सारा मेरे ख्याल में गांव पानी भरदा होगा? हाँ, ये कम से 4 गांव पानी भरा है। 4 गांव पानी भरा? हाँ, 4 तो पक्के हैं। हाँ, सीतक भी पानी जाए नलका का। तो नहीं उनने कोई बैंस में यो पड़ना आए थे के था के? बस उनका ये तो चक्कर पड़ गया, बेच दिया इन्हें। अच्छा, ये नलके ट्यूबवेल पे खेत में जाकर ले, ये काम है, पड़ गया अपने बेच दिया। अरे अपना मतलब नशा नुशा करे है कि भाई? हाँ, नशेड़ी टाइप के? हाँ, नशेड़ी है। अच्छा, कितने जने थे? 3 जने। 3 जने थे। हाँ, तो आपने शकल याद है उनकी कौन कौन? हाँ, उनके मैं नाम कर क्या नहीं कौन जानता, पुलिस वाले शकल तो जाना हो। हाँ, शकल तो जाना है, शकल तो जाना। हाँ, तो उसके बाद जो है आपने फिर के मारे मुरे आपके की? हाँ, मेरे मारे फिर दूसरे दिन फिर आए थे मोटरसाइकिल पे। अच्छा, फिर गांव के आगे दो जने पकड़ने लगे वो भाजी के, फिर मोटरसाइकिल लेके उसके बाद नहीं आए। तो आपने 112 बुलाई थी? हाँ, आई थी जिस दिन मैं आपके पास जा रहा था ना, उस दिन दूसरे दिन पुलिस आई थी। अच्छा, पुलिस आई? हाँ, 12 नंबर। आपने मतलब बता दी थी उनकी पहचान की कौन कौन है? हाँ, वो पुलिस वाले देख के गए थे छोटे के बिगे में। अच्छा, वो छोटे के चले गए? हाँ, वो बड़ा तख्त पड़े थे दारू पी के, वो किकर तला दारू पी थी उनकी, फिर वहाँ छोटे के चले गए उनकी। अच्छा, नशेड़ी टाइप के बंदे हैं? हाँ, तो आपने उन तो खतरा है के है मतलब बार बार? अच्छा, मैंने खतरा इसलिए रात में भी आ सका दिन में भी आ सका मैं। हाँ, ये बात नहीं है, उनका कोई समाधान होना चाहिए मेरा। अच्छा, कोई समाधान? समाधान नहीं है मेरा कोई। तो पुलिस की तरफ तो आई हो, जो आपका लगाया गया होगा, जो आपने FIR करवाई है, वो कोई उसका फोन फान आया हो? ना, कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, कोई नहीं, हमने फुल फोन करके फुल बुला ली थी, वह छोटी के चली गई थी, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनाई ना? थाना में भी आप जा रहे थे परसों पर लेता था, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, ना मेरी कोई सुनाई नहीं हुई ना। फिलहाल जगाम राम की बात करा तो सरपंच के पास आप गए हो, बताई है या अभी याद नहीं करते? थाना में रिपोर्ट कर दे, आप पुलिस चली जी ठाकी बोले। अच्छा, ये पंचायती तौर पर देखो, पहले तो गांव राम का ही फैसला हुआ है, पहले वो जो चीज थाना में जाओ उससे पहले अगर सामाजिक तौर पर पंचायती तौर पर उसका फैसला हो जाए या उनको बुलाया गया, उनके परिवार वाले को बताया गया, कुछ ऐसा हो गया उनके परिवार वाले ने, सरपंच का तो काम नहीं है बाबा, जो भी तेरे गलत झगड़ा करे नहीं तो गलती करेगा तो तुम्हारा खा हुआ, जब वही गलती करे तो सीधा थाना में रिपोर्ट करे। ये कौन सी अपना 112 फोन करा पे ठग ले जाएंगे। अच्छा, अभी हमें रोज कुकर
जिसे सरपंच ने नु करे क्या गांव राम पे पहले दरखास्त दे पहले इस पे 112 पे 112 कौन सी होगा वहाँ पर ठेके लीजिएगी पहले कोई भी हो चाहे भैया अभी इतनी बात हुई थी सरपंच की तो ये मतलब आपकी जो आप दरखास्त दे के आए हो उस पर कोई भी सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी कोई पुलिस ने कुछ नहीं कराया मेरे पास ना आई आपने न्यू डर है कि मतलब आने वाले टाइम में वे फिर दोबारा तो आके ऐसी हरकत दोबारा हरकत कर जे दान पत्र भी उठी औरत है उसमें 8-10 लाख रुपये 10-12 हज़ार रुपये थे नहीं लाख नहीं लाले मुँह में गलती लगी बस 10-1 हज़ार रुपये होंगे वो दान पत्र भी उठी औरत है दान पत्र किस तरह मतलब जैसे कोई आनिया जनिया पैसे कोई 10 डाला कोई कैसे दान पत्र भी उठ गया मेरा तो रात ना पूरे सो पूरे रहूँ मैं रात ना भी दिन रात पूरे रहो हाँ मतलब सरपंच की तरफ से भी आप तेनु कह दिया गया कि पुलिस की कार्रवाई करो सीधा नु कहदा तो सीधा वो गाड़ी कौन से आया करे 12:30 वाली उस पर फोन कर देना पे ले जाएगी पुलिस ठाई होती जो कुतरगड़ा बैठ करेगा अच्छा मेरा तो जंगला काम हो गया सरपंच मेरे तो रोज किस तरह होगा मेरे तरह कौन आवा रहा होगा नहीं उसका तो काम मेरा रोड का गाँव कितनी दूर दूर हो गया था इफ गाँव के इतने आदमी आवे जन तो मैंने मार गिर देंगे ये विषय करके कहा भी तन्ने तन्ने नहीं से देंगे वे तंग करे दो जने मैंने दो से तीन जने हैं हाँ फिलहाल जिस नलके के बाबत रोड़ा होया है वो देख लो पिछला अगर बात करा हम 20 साल पुराना मंदिर और 20 साल पुराना यो नलका और बाबा जी का कहना है जिस टाइम ये आए थे ना के यो नलका लगवाया था गाम राम की सहायता से यो नलका लग गया था और अगर इस नलके की बात करा तो भी आस पास के कई गाँव पानी भरे हैं और कम से कम 25 गाँव पानी भरा है लेकिन ऐसे में भाई अगर शरारती तत्व की बात करें या फिर नशेड़ी टाइप के जो लोग हैं बाबा जी की मेन समस्या यह है कि ये यहाँ अकेले रहे हैं आसपास की अगर रोड की बात करें ये खुल गया था ये पड़ा था अच्छा मैंने ये क्या भैया क्यों पड़ा है पढ़ के उन्होंने लेके और ये ला दिया जो ये बैठ के बैठा है ये देख लो सारा इसे बात पर रोड़ा है अभी आप देखकर लग रहे हो मतलब बाबा जी जो पिछले कई साल तक यहाँ सेवा कर लग रहे हैं मंदिर की और मंदिर चलान भी लग रहे हैं और सामाजिक जो लोग हैं उनका सहायता तो चलान लग रहे हैं नलका भी नुए लग गया था और ये भी इस टाइम फिलहाल जो है आप देख सको हो 5-4 गांव पानी भर के जमा रहता है सीधे के पानी ले जाए नलका ने मैंने नहीं कहा था नलका ना पड़ रहा है इसे बात पर उड़ाया अच्छा हाँ मैं उधर बैठा था मेरे थप्पड़ मारी गई मेरे मैंने पिटन लग गया फिर तो भी इनका कहना है कि इन दोबारा तक खतरा है क्योंकि जो लोग एक बार ऐसा करके गए हैं वे दोबारा भी ऐसा कर सके हैं और ऐसे में अगर पुलिस की बात करें तो FIR जरूरी ना करवाई है एप्लीकेशन जरूर दी थी लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पंचायती तौर पर भी सरपंच का यूँ कहना है कि आप जो है पुलिस में इसकी FIR कटवाओ और पुलिस में शिकायत दो लेकिन पुलिस की शिकायतों का के रिस्पॉन्स रवे है वो आप सब ने पता है बहुत लेट जो है वे जागे हैं फिलहाल ये पूरी अगर बात करूं मैं इस तरफ कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दिखा दो ग्राम पंचायत खानपुर और दूसरी तरफ राजली गांव है और इस तरफ गिराए है तो मतलब बीच में हम खड़े हैं और राजली की जो ये नहर है बरवाड़ा के साथ लगती राजली की जो नहर है उसके ऊपर ही ये मंदिर भी है और साथ में नलका भी है तो भी बाबा जी का कहना है कि इन मतलब पूरा खतरा है उन लोगों तक जो एक बार करके गए हैं और पहले भी इनने बताया भी कई बार चोरियां भी हो चुकी हैं ऐसे में इनने खतरा ज़्यादा है और इनका कहना है अभी पुलिस नहीं उठ लग रही किसी तरह की जो है सहायता इनकी नहीं हो पाल लग रही भी फिलहाल हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि पुलिस प्रशासन जो है वो थोड़ा सा जाग के क्योंकि बाबा जी देखो फैमिली में नहीं रहने लग रही है अकेले रहने लग रहे हैं तो ऐसे में इनका खतरा ज़्यादा हो जाए क्योंकि देखो रात के टाइम भी इनका यहीं रहना हो है दिन में भी यहीं रहना हो है तो जो एक बार करके गए हैं वे दोबारा भी करेंगे तो ऐसे में उनते ही सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है तो ऐसे में जो इनकी एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए तो भी वीडियो पर आपका क्या कहना है बात जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करें।